हेलो ऑल, वेलकम टू सिविल स्टेप। आई होप आपका एग्जाम आज बढ़िया हुआ होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 जनरल स्टडीज़ का पेपर, जिसमें सीरीज डी को डिस्कस किया जाएगा। तो आज के वीडियो का मेन उद्देश्य हमारा यही रहेगा कि कौन से सवाल का कौन सा आंसर है। अगर आज के एग्ज़ाम को मैं असेस करूँ तो आज एग्ज़ाम आपका थोड़ा सा मीडियम टू डिफ़िकल्ट लेवल का था, तो पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। लेकिन अगेन, इस स्पेसिफिक टाइम पे कट ऑफ के बारे में कोई भी गेस करना सही चीज़ नहीं है। अभी जो आपके आपने आंसर मार्क किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स के मार्क्स बन रहे हैं इस स्पेसिफिक टेस्ट में। फिर बाद में कुछ टाइम के बाद शायद कट ऑफ के बारे में हम गेस कर सकते हैं कि शायद इतनी कट ऑफ हो सकती है। इस स्पेसिफिक टाइम पे जैसा भी आपका प्रीलिम्स हुआ है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेक्स्ट स्टेज को देखना, अगले पेपर के बारे में सोचना कि किस तरह से मेंस को आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पे आप लोग वेट कर रहे होंगे कि आंसर्स क्या हैं, तो ज़्यादा जो हमारा ओरिएंटेशन रहेगा इस वीडियो का वो आंसर्स के ऊपर ही रहेगा। लेकिन साथ में काफ़ी लोग जिन्होंने पेपर नहीं भी दिया है या जिन्होंने पेपर दिया है उनके सामने हम लोगों ने क्वेश्चन ही या उनके सामने हम क्वेश्चन ही लेके आएंगे, ताकि आपकी कोई भी सीरीज हो आप अपने आंसर्स को वहाँ से मिला सको और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो इकोनॉमिक सेक्शन का क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग वेरिएबल्स और फैक्टर्स आर नॉट यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सा फैक्टर जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, सेकेंड इज रियल जीडीपी पर कैपिटा, थर्ड इज मॉर्बिडिटी एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है ये आपका एसडीआई को जब भी कैलकुलेट किया जाता है उस स्पेसिफिक टाइम पे उसको कंसीडर करते हैं। जीडीपी पर कैपिटा को भी कंसीडर किया जाता है, जो आपकी मॉर्बिडिटी की कंडीशन है इसको उसमें कंसीडर नहीं किया जाता। आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है सी। आपके यहाँ पे एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखी जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है और आप लोगों की जीडीपी पर कैपिटा देखी जाती है, लेकिन मॉर्बिडिटी जो है वो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कंसीडर नहीं होती है। तो यही कारण है पहले क्वेश्चन का आंसर है सी। सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, दैट इज योर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत बार हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ये सवाल पूछा गया है और आज काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे, हिमाचल प्रदेश के दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो अभी आपको रिसेंटली या तो एलाइड में देखने को मिले थे 2020 में, या कुछ आपके 2018 एलाइड के जो एग्जाम था आपका उसमें भी क्वेश्चन आए थे। तो कुछ क्वेश्चन हिमाचल के रिपीट थे, तो उन लोगों के लिए थोड़ा फायदा रहा होगा इस एग्जाम में जो बहुत बार या बहुत ज़्यादा हिमाचल के पेपर्स देते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट आपका है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज पॉजिटिव, थर्ड इज नेगेटिव एंड फोर्थ इज बोथ ए एंड बी। तो सबसे पहले आपको दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पे। पहला है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जहाँ पे एक इंसान एम्प्लॉयड तो दिखता है लेकिन फाइनल आउटपुट में उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो जीरो होता है, क्लियर। तो उसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जहाँ पे हम लोग जो हैं, मान लो इस स्पेसिफिक टाइम पे हमारे किसी प्रोजेक्ट पे चार लोग काम कर रहे हैं, वो चार लोग जो हैं वो लेट अस सपोज 100 किलोग्राम चीज़ जो है या लोहा जो है वो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। कल को हमने वहाँ पे चार की जगह दो और लोगों को डाल दिया, छः लोग कर दिए, क्या वो छः लोग जो हैं वो उनके आने से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हुई है या नहीं हुई है। मान लो दो लोग आपने ऐड किए और फिर भी वो 100 किलोग्राम चीज़ ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो दो लोग हैं ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में है और जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है, जीरो है, कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है लोगों को ऐड करने से। तो यही कारण है इसका आंसर आपका है ए, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी छोटे छोटे कंसेप्ट्स थे और इकोनॉमी में इतिहास रहा है हिमाचल प्रदेश कमीशन का कि बिल्कुल कंसेप्ट्स के ऊपर ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है ह्यूमन डेवलपमेंट डज नॉट यूज विच पैरामीटर व्हाइल मेजरिंग जेंडर इनइक्वालिटी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में आपका एक इंडेक्स आता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जिसको GII के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखी जाती है, वुमेन की एजुकेशन देखी जाती है और वुमेन एम्पावरमेंट देखी जाती है, कितनी उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। तो इसी संदर्भ में जो है वो आप लोगों से सवाल पूछा गया था। तो सेक्स रेशियो जो है उसको ह्यूमन डेवलपमेंट कैलकुलेट करते हुए सेक्स रेशियो को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते हैं। यही कारण है कि जो पहला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है इन कंटेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्थ को जो है वो कंसीडर किया जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, क्लियर, उनके एजुकेशन को कंसीडर किया जाता है, क्लियर, उसके साथ साथ एम्पावरमेंट, कमांड ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज उसको भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन सेक्स रेशियो जो है उसको GII में नहीं हम लोग कंसीडर करते हैं। यही कारण है थर्ड क्वेश्चन आंसर इज ए, इसका आंसर है ए।
चलिए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। संकल्प इज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड, संकल्प की अगर हम बात करें तो संकल्प की फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड स्कीम। ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो वर्ल्ड बैंक के साथ कोलेबोरेट करके गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इस स्पेसिफिक स्कीम का नॉर्मल मतलब है कि किस तरह से जो यूथ है उसकी हम लोग स्किल डेवलपमेंट करवा सके। तो जिन लोगों को इसकी फुल फॉर्म भी पता है, जिन लोगों को स्कीम की इसकी फुल फॉर्म पता थी, वो बहुत आसानी से इस आंसर को मार्क कर सकते हैं। देखिए अभी तक जो चार क्वेश्चन है इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत बार जो है वो सवाल पूछे गए हैं, अगर आप पिछले 5-6 साल के पेपर्स उठा के देखो तो। बड़ा प्रिडिक्टेबल पेपर है अभी तक। जहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा पेपर आएगा वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा कि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था, ये शायद नहीं किया जा सकता था। तो और ध्यान रखिए आप लोगों ने पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस वैसे भी नहीं करने थे, आपका मेन औचित्य था आप एक स्पेसिफिक कट ऑफ को क्लियर करना। तो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है इसका आंसर है डी। फिफ्थ के ऊपर चलते हैं, गोल्डन रूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। देखिए गोल्डन रूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया या किसी भी स्पेसिफिक देश का गोल्डन पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी का यही रहता है कि जो भी कोई भी गवर्नमेंट या कंट्री जो है वो बोरो करेगी उस बोरोइंग को वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रूप में खर्च करेगी। मतलब अगर किसी से उधार लिया तो उस उधार को इन्वेस्ट किया जाएगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या ऐसी चीज के लिए जहां से फ्यूचर में तुम्हें कोई चीज रिटर्न आ सके। तो इसका आंसर आपका है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर आपका है बी, दैट इज बोरोइंग ओनली फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स आ गया, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो यहाँ पे आप HPPSC की आंसर की के लिए वेट करिए, मेरे अकॉर्डिंगली आंसर जो है वो आपका है बी, दैट इज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम पब्लिक और एम्प्लॉइज। सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, विच ऑफ दीज इज ए डायमेंशन ऑफ CSR। CSR आई होप आपको फुल फॉर्म पता होगी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे जो कॉरपोरेट है, जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी जिम्मेवारी है आपके यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करना। तो यही कारण है इसका आंसर आपका डी आ जाएगा, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने जो टोटल पैसा है उसमें से कुछ पैसा जो है वो सोशल डेवलपमेंट के ऊपर तुम्हारे हॉस्पिटल्स बना के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल के जो है वो खर्च कर रहा है। तो CSR बेसिकली आपका फिलंथ्रॉपिक जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम योर कॉर्पोरेट्स और प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर एट। एनजीओज आर रिकॉग्नाइज्ड एज मैजिक बुलेट टू फोकस एंड फिक्स द प्रॉब्लम्स प्रेजेंट इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस। बहुत जनरल स्टेटमेंट है ये, कोई बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चीज नहीं है, तो यही कारण है ये आपका आंसर जो है वो मेरे अकॉर्डिंगली इसका रहेगा सी, दैट इज योर मैजिक बुलेट। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के ऊपर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप आप लोगों को पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि आप लोग जो हैं वो आज रिसोर्सेज को उतना ही यूज करो जितना आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कभी भी ये नहीं कहता है कि आप इंक्रीज कर दो। देखो यहाँ से ना एलिमिनेशन जो है उससे आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। जैसे पहला है इंक्रीजिंग एमिशन, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है जहाँ पे आपने चीज़ों को उतना ही यूज़ करना है जितनी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, ताकि तुम फ्यूचर की जनरेशन के लिए चीज़ों को बचा के रख सको। तो अगर आप एमिशन को इंक्रीज कर देते हो तो उसे कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तो पहला वैसे ही निकल गया। सेकेंड आपका आ गया एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड एमिशन। एमिशन जो है या एलिमिनेटिंग वेस्ट मटीरियल और एमिशन जो है उसको आप कंप्लीटली खत्म करना भी कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्राइमरी गोल नहीं है, तो सेकेंड भी आपका एलिमिनेट हो गया। तीसरा आ गया डिक्रीजिंग एमिशन, अगेन ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही कम करती है आपने एमिशन। नेक्स्ट आ गया मॉडरेटिंग एमिशन एंड वेस्ट, ये ज्यादा सेंसिबल है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपने रिसोर्सेज को यूज भी करना है एक मॉडरेट लेवल से। तो यही कारण है इसका आंसर जो आपका आ जाएगा दैट इज योर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इको मार्क लेवल ऑफ इंडिया इज। आप सब लोग देखते हो कि अलग अलग चीज़ों के ऊपर हमारे यहाँ पे मार्किंग आते हैं, लेवल मार्क होते हैं। तो उसी तरह से जो इको मार्क लेवल है जो एक घड़े की तरह होता है, एक घड़े की तरह जो है वो मार्क इको मार्क लेवल जो है वो आपको कुछ चीज़ों के ऊपर देखने को मिलता है। ये स्पेसिफिकली इको मार्क लेवल जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स के द्वारा यूज़ किया जाता है ये कंफर्म करने के लिए कि ये स्पेसिफिक चीज़ जो है इसका कम इम्पैक्ट पड़ेगा इको सिस्टम के ऊपर। और जो लेवल है वो किस फॉर्म में दिखता है हमें, एन अर्थन पॉट, घड़े की तरह। क्लियर। तो यही कारण है इसका आंसर क्या है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवंथ के ऊपर आ जाइए, मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज डू नॉट अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट इज योर ग्लोबल कूलिंग, यस हम लोगों ने देखा है कि बीच में जब आइस एज आई है तो स्पेसिफिक टाइम पे मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज हुई है।
फॉलिंग सी लेवल, यस फॉलिंग सी लेवल भी एक कॉज है जो क्लाइमेटिक फिनोमेना के साथ रिलेटेड है, उसके कारण भी मास एक्सटेंशन हो सकती है। एक्सेंसिव रेनफॉल, एक्सेंसिव रेनफॉल भी तुम्हारा क्लाइमेटिक पैटर्न का ही एक पार्ट है, इसको हम लोग लिंक कर सकते हैं जब तुम्हारे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था। और नेक्स्ट डी आ गया, दैट इज़ योर प्रिडेशन। देखिए प्रिडेशन जो है उससे कभी भी मास एक्सटेंशन नहीं होगी। अगर कोई एक बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिक जो स्पीसीज़ है वो दूसरी स्पीसीज़ के ऊपर हावी हो जाती है तो वो एक स्पीसीज़ को ही ख़त्म कर सकती है, वो ऐसा नहीं है कि मास एक्सटेंशन कर देगी स्पीसीज की। क्लियर? तो प्रिडेशन जो है वो कभी भी तुम्हारा मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज है, और अभी तक जितने भी मास एक्सटेंशन हुई है उसमें प्रिडेशन का कोई भी रोल नहीं है। तो यही कारण है 11th आंसर इज डी। 12th के ऊपर चलती है। ए 40 वॉट बल्ब इज यूज 6 आवर्स एवरी डे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक यूनिट कंज्यूम्ड इन 30 डेज। तो इसको सिंपल सा है, 40 वॉट मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज, ये आपका बन जाएगा 7200 वॉट। और अगर मैंने इसको, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ना था, अगर इसको मैं किलो वॉट में कन्वर्ट करूँगा तो वो आपका जो है वो 7.2 किलो वॉट आ जाएगा। आंसर आपका है डी, दैट इज़ योर 7.2। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल सा मैथ कैलकुलेशन था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना पड़ना था, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। 13 के ऊपर आ जाओ। इन न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 विद ए स्लो न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट प्रोड्यूस एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली, इसका आंसर है सी, दैट इज 200 MeV। क्लियर? नेक्स्ट आ गया, डेंटल एलॉय फॉर टीथ फिलिंग कंटेन्स। देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है, मतलब सिंपल इन द सेंस कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो जो कि नॉर्मली हम लोगों ने देखे हैं कि साइंस से पूछे जाते हैं। क्लियर है कि किसी को जो है वो क्रैम्प्स क्यों आते हैं एथलीट्स को, आज भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार से ये सवाल जो है वो हम लोगों को हिमाचल रिलेटेड एग्जाम्स में देखने को मिला है। क्लियर? तो जो आपका 14th आएगा क्वेश्चन, इसका आंसर है आपका ए, दैट इज सिल्वर मर्करी टिन कॉपर एंड जिंक। ये टीथ फिलिंग में इसको डेंटल अलॉय के रूप में यूज किया जाता है। 14th क्वेश्चन आंसर इज ए। 15th आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर हार्डनेस, किससे जो वाटर है उसका हार्डनेस इंक्रीज नहीं होता है, इसका आंसर आपका आ जाएगा कार्बोनेट जितना भी है उससे, आप लोगों को जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट या जहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे उससे जो है वो वाटर वाटर की हार्डनेस इंक्रीज होगी। जो कैल्शियम नाइट्रेट है इससे तुम्हें वाटर की हार्डनेस जो है वो इंक्रीज होती हुई नहीं देखने को मिलेगी, यही कारण है इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आ गया 16th, डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इन विच ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आई थिंक आपको पता होगा, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो आपके नॉन क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। क्लियर? जो कि आपका जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं होती वहाँ पे आप लोगों को जो वो ल्यूकोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये कौन सी जगह आ गई, तुम्हारी रूट्स आ गए एंड अंडरग्राउंड स्टेम्स आ गए, बाकी तो बिल्कुल सीधा ही गलत हो जाएगा। अगर आपको नॉर्मल पता था कि क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है तो इसको आप बहुत जनरली बहुत आसानी से जो है वो इस सवाल को एलिमिनेट कर सकते हो। देखिए अभी तक 15-16 क्वेश्चन है, इनमें से दो क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो, दो या तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट पूछे गए हैं, बाकी सारे के सारे सवाल वही हैं जो डूएबल हैं, करने लायक हैं और आप उनको बहुत आसानी से कर सकते हो। 16th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए। 17th आ गया, दैट इज योर टिरिडोफाइटा डू नॉट हैव। तो टिरिडोफाइटा जो है वो उसके हम लोगों को जो है वो आपके कभी भी फ्लावर्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो टिरिडोफाइटा जो है ये आपकी स्पीसीज हैं, दो तरह से हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं, जिनके फ्लावर्स नहीं हैं उनको हम लोग जो है टिरिडोफाइटा के नाम से जानते हैं। तो 17th क्वेश्चन आंसर इज डी। नेक्स्ट आ गया 18th। 18th जो है, इन विच ग्रुप ऑफ मैमल्स एनिमल्स कॉलम इज फिल्ड विद ब्लड, ये आपका आंसर आ जाएगा बी, दैट इज योर एंथ्रोपोडा, सॉरी आर्थ्रोपोडा। क्लियर? नेक्स्ट आ गया 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। 19th क्वेश्चन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमंग एथलीट्स, द रीजन फॉर दिस इज, बहुत बार इस सवाल को पूछा गया है, ये बहुत जनरल सवाल है। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे यही आएगा कि जो आपका पायरोवेट है वो अपने आप को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर लेता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, दैट इज जो जैसे ही लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी वैसे ही जो एथलीट्स हैं उनको लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण जो है वो क्रैम्प्स आ जाएंगे और उनको पेन होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो लैक्टिक एसिड बेसिकली कभी सिंपल पूछा जाता है कि कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, दैट इज योर लैक्टिक एसिड, तो आंसर 19th का आ जाएगा बी। 20th के ऊपर चलते हैं। फिजियोलॉजिकली पालमपुर धर्मशाला एंड जोगिंदर नगर इन हिमाचल प्रदेश आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स।
अब देखिए यार, यहाँ पे बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप बलोखरा या नॉर्मल हिमाचल की बुक से उनको थोड़ा सा रीड करोगे तो वहाँ पे डायरेक्टली इन तीनों जगहों के बारे में मेंशन किया गया है। ये तीनों जो है वो आपकी वेट सब टेम्परेट जोन का पार्ट हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो ये भी कहेंगे कि ये आपकी ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल होनी चाहिए, बट नो, ये आपका जो आंसर इसका है डी। वैसे हिमाचल में क्लाइमेटिक कंडीशन जो जोन में डिविजन्स है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन जो रेफरेंस बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आपका आंसर है डी। वैसे फर्स्ट और फोर्थ में कन्फ्यूजन होना लाजमी है, लेकिन आंसर इसका है डी, दैट इज वेट सब टेम्परेट। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए प्रिंसली स्टेट, और ठकराई विच वॉज क्लब टू फॉर्म महासू डिस्ट्रिक्ट इन 1948। आप सब लोगों को पता है महासू डिस्ट्रिक्ट जो है वो फॉर्म की गई थी 26 प्रिंसली स्टेट्स के साथ, तो उनमें कोटी दरकोटी घुंड जो था वो उसका पार्ट था, अनी जो था उसका पार्ट नहीं था। तो इसका आंसर आपका है डी, 21 आंसर डी। 22 की बात करें, जाहोर इज तिब्बतियन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए अभी तक हिमाचल में भी कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, कुछ सवाल हिमाचल के थोड़े मुश्किल जरूर देखने को मिलेंगे। जाहोर है बहुत नॉर्मल सवाल है, बहुत बार अगेन इसको भी हिमाचल में रिपीट होते हुए देखा है हम लोगों ने। तो जाहोर जो है ये आपका कहा जाता है मंडी को, इसका आंसर है बी। क्लियर, यहाँ पे जो है वो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, 22 का। अब देखो यहाँ पे जो एक आपके तिब्बतियन जो है वो बहुत फेमस मॉन्क हुए हैं, क्लियर, तो उनको जब रेफर किया जाता है तिब्बतियन टेक्स्ट में, तो तिब्बतियन टेक्स्ट में जो है वो मंडी को जौहर के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि जो पद्मा संभवा थे ये जौहर से आए थे, तो जौहर वो क्योंकि मंडी वाले एरिया में रहा करते थे। क्लियर, रिवालसर के आसपास वाला जो एरिया आपका। 23 आ गया, विच स्नो क्लैड पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शेप्ड समवट लाइक मैटरबॉर्न इन स्विट्जरलैंड। तो देखिए इसका आंसर जो है वो है बी, दैट इज योर रियो पुर्ग्रिल। अगेन इसके लिए भी आप HPPSC के आंसर की को एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। बेसिकली ये जो सवाल है ये आपका मैरिजेस से रिलेटेड है, जिनको थोड़ा आइडिया होगा उनको आइडिया देख के पता चल गया होगा कि ये शादियों की कनेक्शन की बात हो रही है। तो पहला आपका आ गया पंगवाल एंड ढोगरी, ये बिल्कुल सही है, पंगवाल जो है वो आपकी ढोगरी मैरिज ही करते हैं। क्लियर, सेकेंड आ गया आपका किन्नर और किन्नौरा, आ गया आपका जैंकांग, ये भी बिल्कुल सही है। गद्दी का बट्टा सट्टा आ गया, ठीक है, बट्टा सट्टा भी जो है वो गद्दियों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उसके बाद स्वांगला में आपका झंझारा आ गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो आपका झंझरारा है ये भी आपका गदियों की ही मैरिज प्रैक्टिस है। तो इसका आंसर आपका है डी, क्योंकि जो फोर्थ है वो आपका इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। 25th आ गया, मैच द लिस्ट 1 एंड 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। तो आपको यहां पे मैच द फॉलोइंग करना था, क्लियर, और ये जो है वो आपका डांसेस के साथ रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कयांग डांस, क्लियर, सबसे पहले आपका कयांग डांस आ गया। कयांग जो है वो आपका किन्नौर के साथ इसको मिलाएंगे, किन्नौर का फेमस डांस है। उसके बाद जो है वो आपका आ गया झांझर, झांझर जो है वो आपका चंबा का है। तीसरा आ गया आपका कीकली एंड भांगड़ा, तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, ये बड़ा कॉमन, बड़ा मतलब आसान सवाल था। क्लियर, जो तीसरा है इसका आंसर है बी, पर देखो एग्जामिनर को भी पता है कि आपको आसान लगेगा, तो इसने जो है वो तीन ऑप्शन आपके बी दिए हैं, क्योंकि हमें पता है भांगड़ा वाला एरिया जो है वो वहीं पे होगा जहाँ पे आपका जो है वो पंजाब हिली एरियाज के जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट थी। क्लियर, तो कीकली एंड भांगड़ा जो है वो आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद जो है वो आपका है झूरी, झूरी जो है वो आपका है सिरमौर का। क्लियर, सिरमौर का है। तो इस तरह से आपका आंसर जो है वो बन गया बी, ठीक है, आंसर इसका है बी, ये आपका फोक डांसेस से रिलेटेड सवाल था। नेक्स्ट है 26th, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल मैं बोल सकता हूँ इसको। नेक्स्ट आ गया लोहड़ी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज स्टेट फेस्टिवल एंड फर्स्ट लोहड़ी फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 13th जनवरी 2010 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। इजी सवाल था, आसान सवाल है, परागपुर इसका आंसर है, दैट इज योर बी। 27th आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिलीव्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड बाई टू मर्चेंट्स ओखा एंड मान्या। ये बहुत आसान सवाल है वैसे, 1204 में दो मर्चेंट्स के द्वारा एक टेम्पल बनाया गया था, वो टेम्पल था तुम्हारा बैजनाथ टेम्पल। तो 27th आंसर इज ए। 28th, द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कंग्यूर एंड तंग्यूर इज प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग होम्पा। ये बेसिकली जो है वो आपके तिब्बतियन टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, कंग्यूर एंड तंग्यूर, ठीक है, सीक्रेट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ये, जो है वो आपको कारदांग गोम्पा में जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, कारदांग मोनेस्ट्री जो है वहाँ पे ये रखे गए हैं लाइब्रेरी के अंदर। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला है द अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज फाउंडेड बाय राजा जगत सिंह। देखिए नो डाउट राजा जगत सिंह की अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग में जो है वो नो डाउट उनका क्रेडिट दिया जाता है उनको, लेकिन जो फाउंडर थे, जो फाउंडर थे तुम्हारे, उनका नाम था राणा मेहरचंद,
ठीक है, या दूसरे थे राणा भूपचंद। तो जगत सिंह बहुत बाद में आए हैं, तो पहला सवाल जो है वो वैसे ही गलत है, तो इसका आंसर सीधा आ जाएगा ए। बाकी सारे के सारे सवाल जो है वो आपके सही हैं। चंबा आपका पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग एक मेन सेंटर हुआ करता था, कांगड़ा पेंटिंग जो है उनको GI का टैग मिला हुआ है, क्लियर। और जो बशौली पेंटिंग थी वो राजा कृपाल पाल के टाइम पे ही बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में आई थी, क्लियर। तो आपका 29th आंसर ए। 30th आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी फाउंड 600 ईयर ओल्ड मेनुस्क्रिप्ट दैट डील्स विद द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है, ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है। ये एक्चुअली 2011 में, 2011 में स्पीति वैली में, स्पीति वैली में जो हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी है उसके द्वारा एक मेनुस्क्रिप्ट जो कि भोती लैंग्वेज में लिखी गई थी, जो कि भोती लैंग्वेज में लिखी गई थी और वो बेसिकली आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ डील करती थी, वो वहाँ पे मिली थी। तो कुछ लोग जो थोड़ा सा फेमिलियर होंगे इस चीज़ से उनको पता होगा। वैसे अगेन थोड़ा मुश्किल सवाल था, आंसर इसका है डी, दैट इज़ योर स्पीति वैली। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। ये बहुत ही आसान सवाल है। देखिए जो फतेहपुर फोर्ट है, जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा होगा, हम जब जब बिलासपुर की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम सत धार कहलूर की बात करते हैं, सात धारों की बात करते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट धार तुम्हारी है नैना धार, नैना देवी धार। तो बेसिकली जो फतेहपुर किला है, फतेहपुर फोर्ट है, वो आपका नैना देवी धार के ऊपर है, ना कि बांदला धार में। बाकी बिल्कुल सही है, त्यून फोर्ट त्यून धार पे है, देवी बदौली टेम्पल झंझियार पे है, दगोगा जो है वो कोट धार के ऊपर है, लेकिन फतेहपुर जो है वो नैना देवी धार में है। तो पहला कॉम्बिनेशन जो है वो आपका इनकरेक्ट है। तो आपका जो 31 आंसर है इसका, या 31 क्वेश्चन है इसका, आंसर बन जाएगा ए। 32 के ऊपर आ जाते हैं, दी ओनली क्वाइन स्पेशल टू चंबा फाइव ऑफ विच मेक्स एंड अना इज दी। एक्चुअली क्या था, चंबा में एक बहुत ही फेमस कॉपर क्वाइन हुआ करता था जिसको हम लोग चकड़ी के नाम से जानते थे, क्लियर। और पांच चकड़ी मिलके जो था वो एक अन्ना बना आना सॉरी एक आना बनाया करते थे, एक आना बनाया करते थे। इसका आंसर आपका है सी, दैट इज योर चकली। 33 की बात करें, हु अमंगस द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू एग्जामिन द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स इन चंबा एंड भरमौर। यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़ हुए होंगे मिस्टर विग्ने और जनरल कनिंघम के बीच में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए मिस्टर विग्ने जो थे वो सबसे पहले आए थे, लेकिन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ चंबा एंड भरमौर जो स्टडी किए थे वो किए थे जनरल कनिंघम ने। तो इसका आंसर 33 का आंसर है सी, क्लियर। 33 का आंसर जो है वो है आपका सी। 34 के ऊपर आ जाइए, व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ अर्लीस्ट रॉक इंस्क्रिप्शंस फाउंड एट पथियार एंड कनियारा। आसान सवाल है, ए है ब्राह्मी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही होती थी यहाँ पे। पाली बहुत पुरानी स्क्रिप्ट है, खारोशी जो है वो आपकी स्पेसिफिक जगह पे नहीं मिलती थी, वो आपकी नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में मिलती थी। आंसर इसका ए। 35 आ गया, व्हाट इज द नेम ऑफ एन ओपेरा फेस्टिवल विच इज एनुअली हेल्ड एट तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एट मैक्लोडगंज एंड वॉज एन एनुअल फीचर इन ल्हासा प्रायर टू 1959। अब देखिए यार, यहाँ पे जो है इस स्पेसिफिक सवाल का जो जवाब है वो है बी, दैट इज योर शॉतन। थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे को मिक्स सा लग रहा है, मैं बता देता हूँ कि मेरे को क्या इनहिबिशन है स्पेसिफिक क्वेश्चन की। एक्चुअली क्या है कि एक इनका फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, क्लियर। एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है जिसको कहते हैं हम शॉतन फेस्टिवल, शॉतोन फेस्टिवल। इस स्पेसिफिक फेस्टिवल की खासियत क्या है कि यहाँ पे एक आपका आप सब लोगों ने ओपेरा का नाम सुना होगा, ओपरा जिसको कहते हैं, जो वेस्टर्न डांस है, क्लियर। तो इस स्पेसिफिक डांस की तरह ही यहाँ पे एक डांस होता है जिसको कहा जाता है लहामा, लहामा कहा जाता है या अच्छे लहामा कहा जाता है, क्लियर। अब ये सवाल जो है ये शायद फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो वही बता रहे हैं, फेस्टिवल्स के ही यहाँ पे ऑप्शंस हम लोगों को दिए गए हैं। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंगली है बी, दैट इज शॉतन फेस्टिवल। वैसे जो ओपेरा हुआ करता था, ओपरा हुआ करता था, उसको जो है वो लहामा या छे लहामों के नाम से जाना जाता था। 36 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज विदाउट एक्सेप्शन द मोस्ट रग्ड ग्लेन, ग्लेन मतलब वैली ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे रग्ड वैली डायरेक्ट लाइन है ये आपकी बलोखरा की, क्लियर। तो इसका जो आंसर है दैट इज योर ए, दैट इज योर तिडोंग वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जेस्थांग एंड कनिष्ठांग आर द नेम्स गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत हिमाचल मीडियम लेवल का ज्यादा है, मुश्किल सवाल दो तीन ही है। फिर भी अगर 25 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से आए हैं तो आई थिंक 15 से 18 क्वेश्चन जो है वो डुएबल हैं,
तो जिन्होंने थोड़ा हिमाचल प्रदेश को ढंग से पढ़ा होगा वो मिनिमम 15 क्वेश्चन तो उन्होंने कर ही लिए होंगे अटेम्प्ट। और इस बार क्वेश्चन थोड़े से बड़े थे, नॉर्मली 20 क्वेश्चन आते थे, इस बार 25 क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए यार, कहानी यहाँ पे सिंपल सी यही है कि आप सब लोगों ने सुना होगा दुनिया की जो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है वो आपका एक गाँव है मलाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो जो पार्लियामेंट हुआ करती थी मलाना की, उसको दो हाउसेज में डिवाइड किया गया था। पहला आपका था जेस्थांग और दूसरा था कनिष्ठांग। तो जेस्थांग का मतलब होता था अपर हाउस, कनिष्ठांग का मतलब होता था लोअर हाउस। तो इसका सिंपल सा आंसर आपका है सी, दैट इज योर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज रेलीगेटेड टू सेकंड पोजीशन बाय लाहौल स्पीति बाय अचीविंग दी हाइएस्ट पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो। ईजी, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सी दैट इज योर नीदरलैंड। अगेन हो सकता है कुछ लोगों को आइडिया ना हो। नेक्स्ट आ गया, द फर्स्ट मैंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस केम इन 19, यहाँ पे इसका है 1817, फ्रॉम द डायरी ऑफ द स्कॉटिश ऑफिसर ब्रदर्स। अगेन ईजी सवाल है, जब भी आप लोग शिमला की हिस्ट्री पढ़ते हो पहली दूसरी लाइन यही है कि दो स्कॉटिश ब्रदर हुआ करते थे, एक का नाम था लेफ्टिनेंट पैट्रिक और दूसरे का नाम था अलेक्जेंडर जुराड। तो उनकी डायरी में सबसे पहले जो है वो शिमला शब्द जो है इसके बारे में मेंशन किया गया था। तो इसका आंसर है बी, दैट इज योर शिमला, 39 आंसर बी। 40 के ऊपर आ जाते हैं, क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट इज बीइंग अंडरटेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीवन बेसिन्स कवरिंग 9258 विलेजेस या 9258 विलेजेस ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट्स विद मोर देन 1200 पंचायत। तो यहाँ पे बेसिकली ये डायरेक्टली आपका इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 की लाइन है, आसान सवाल है, आंसर सी है, दैट इज योर प्यास। इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली सवाल, डायरेक्ट लाइन उठा के इन्होंने सवाल पूछा है। जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जो चार चार 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट का नाम है कुल्लू, मंडी, हमीरपुर एंड कांगड़ा। 41 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर इशूइंग ड्राइविंग लाइसेंसेस। आसान नाम से ही गैस कर लोगे, ए है, दैट इज योर वाहन। क्लियर, 41 आंसर इज ए, दैट इज वाहन। नेक्स्ट चलते हैं 42, नेम द सुप्रिटेंडेंट ऑफ बोटेनिकल गार्डन हु सेट अप दिल्ली टी एस्टेट इन 1852। ये बेसिकली बनाया गया था 1852 में डॉक्टर जेम्सन के द्वारा, आंसर इसका है बी। मेजर स्ट्रॉट का नाम भी आप लोगों को देखने को मिलता है, मेजर स्ट्रॉट ने 1866 में इस स्पेसिफिक बोटानिकल गार्डन को जो है वो बोरो किया था। तो अगेन जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा होगा उन वो शायद इन दो नाम के बीच में जो वो कन्फ्यूज हुए होंगे, बाकी नाम तो आपके क्लियर हैं। 42 आंसर इज बी। 43 के ऊपर चलते हैं, आफ्टर एन इंटेंसिव रिसर्च एंड सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट विद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लाइकली टू इमर्ज एज पिस्टाचियोस बॉल ऑफ द स्टेट, मतलब जहाँ पे फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है। अगेन ये मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर है सी, दैट इज़ योर कांगड़ा, क्योंकि अभी सरकार ने जो वो 4 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की थी, 3-4 डिस्ट्रिक्ट उनमें कांगड़ा था, तो शायद ये आंसर हो सकता है इसका। ये तीसरा सवाल है जिसके लिए आप एक बार जो वो HPPSC की जो कमीशन की आंसर की आएगी उसके साथ अपना आंसर मिलाओगे। क्लियर, देखो सिंपल सी बात यही है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो थोड़ा डिफरेंट तरीके से इन्होंने पूछे हैं, तो आई थिंक उसके लिए हमें जो है वो आंसर की का भी वेट करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और देखते हैं कि वो क्या सवाल आंसर देते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली जो आंसर है दैट इज सी, कांगड़ा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट इम्यू ब्रीडिंग फार्म ऑफ हिमाचल प्रदेश सेटअप बाय मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ईजी वे विद। बहुत बार सवाल आया था, शायद ये 2020 में ही सवाल पूछा गया है आपका एलाइड सर्विसेज में, इसका नाम है गंडवाल, ऊना में। नेक्स्ट आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग वर द टू वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हु वर मेन फोर्स बिहाइंड सेटिंग अप हिमाचल फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन एट सलोपड़ा में बना है आपका। और इसका जो सबसे इसका जो हम लोग श्रेय देते हैं जिन लोगों ने जो है वो इनको इसको 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 प्रमोट भी किया था, क्लियर, इसको प्रमोट भी किया था, उनका नाम आपका है फ्रांसिस बर्नर एंड टी एच वॉकर। इसका आंसर आपका है सी। ये बहुत बार सवाल जो है वो हम लोगों को देखने को मिला है एग्जाम में, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है तुम्हारे अलाइड एग्जाम्स का। नेक्स्ट चलते हैं, 46, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड इन द 8 वंडर्स ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, तो उसमें जो है वो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जो है वो ऐड किया गया है, आंसर इसका है सी। 47 आ गया, टू विच कंट्री गिफ्टेड ए मेड इन इंडिया पेट्रोल वेसल नेम कामयाब। तो ये स्पेसिफिक जो वेसल है आपका ये इंडिया के द्वारा जो है वो मालदीव्स को दिया गया है ताकि चाइना को जो है वो काउंटर किया जाए, आंसर इसका है बी। 48 आ गया, विच इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट डी कमीशन ऑन दिसंबर 27, 2019। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आसान सवाल है, MiG-27, ठीक है, 48 आंसर इज ए। 49, विच ट्राइबल रिफ्यूजी कम्युनिटी विल नाउ बी गिवन परमिशन टू सेटल इन त्रिपुरा फॉलोइंग द साइनिंग ऑफ ए हिस्टोरिकल एग्रीमेंट ऑन January 16, 2020। बहुत अगेन करंट अफेयर इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो पर्सनली मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अनप्रडिक्टेबल नहीं है, पर हाँ
अनयूजुअल क्वेश्चन जरूर हैं करंट अफेयर में भी, लेकिन अनप्रडिक्टेबल क्वेश्चन नहीं है। देखिए यार सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है कि कहानी 1997-98 के आसपास की है, तो 1997-1998 के पास जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 5,000 तुम्हारी जो है वो ब्रू रियांग फैमिली जो थी उनको मिजोरम से फोर्सफुली शिफ्ट होना पड़ा था कहाँ पे, त्रिपुरा में। क्लियर? फिर बीच में जो है वो वहाँ की कम्युनिटी में भी उनके बीच में जो है वो जब त्रिपुरा में भी सेटल हुए तब भी इनके बीच में थोड़े से क्लैशेस होने शुरू हुए। तो अभी जो आपके होम मिनिस्टर हैं, त्रिपुरा के मिनिस्टर्स हैं, मिजोरम के मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने आपस में जो वो एग्रीमेंट साइन किया है। तो जो एग्रीमेंट साइन हुआ था 16 जनवरी को आपका ब्रू रियंग कम्युनिटी के लिए हुआ था। तो 49 आंसर इज बी। 50th के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020? इजी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे है कि पासपोर्ट सबसे बेस्ट कौन सा है, जैसे इस स्पेसिफिक रैंकिंग के अकॉर्डिंगली जो पहले नंबर पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो वीजा है वो है जापान का। इसमें देखा जाता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया के पास जो है वो आप लोगों के पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप लोग जो है वो कहाँ पे विदाउट वीजा ट्रेवल कर सकते हो, कितने देशों के वहाँ पे। तो आप लोगों ने देखा है कि इंडिया का भी काफी देशों के साथ ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ पे इंडियन जो है वो वहाँ पे जाके विदाउट वीजा जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। मैक्सिमम कंट्रीज में इंडिया को पहले ही वीजा लेना पड़ता है। तो हिंदुस्तान या जो इंडिया है उसका रैंक आपका है 84th, पहला रैंक किसका है, जापान का। क्लियर? आसान सवाल है। 50th आंसर आपका है डी। 51st क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ग्लोबल टाइगर फोरम? ग्लोबल टाइगर फोरम जिसकी शुरुआत जो थी वो 1993 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर आपका है न्यू दिल्ली में, आंसर है बी। 52 की बात करें, 52 है, व्हाट इज वाइड क्विट, QIT, व्हिच वाज इन इन द न्यूज रिसेंटली? तो वाइड क्विट जो है दिस इज बेसिकली आपका बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड ऑन इंडो बांग्लादेश QRT इंटरसेप्शन टीचिंग। क्लियर? तो ये सारे का सारा जो है वो नॉर्मल आसान भाषा में जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ द बॉर्डर्स है। इसको जो है वो इंस्टॉल किया गया है असम, मतलब हिंदुस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर के ऊपर, असम में धुबरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आंसर इसका है बी। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हाउस स्पैरो इन इंडिया एज पर द स्टेट ऑफ बर्ड्स रिपोर्ट 2020 रिपोर्ट? अब आप इस स्पेसिफिक टाइम पे देखोगे हाउस स्पैरो जो बीच में ऐसा लगता था कि एक्सटिंक्ट हो गई है अब आपको नॉर्मल देखने को मिलती है, और जो स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड 2020 रिपोर्ट आई है उसमें इनका स्टेटस जो है वो स्टेबल है, आंसर आपका है ए। 54, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू एस्टेब्लिश एडू टूरिज्म? क्लियर? अब देखो यार एडू टूरिज्म की हम बात करें तो एडू जो है वो आपके एटॉल हैं मालदीव्स में, तो वहां पे जो है वो इंडिया ने 5 MOU साइन किए हैं। तो आंसर इसका है ए। तो ज्योग्राफिकल क्वेश्चन था अगर आपको पता है कि एडू एटोल कहाँ पे, एडू एटोल जो है वो आपके मालदीव्स में है तो वहां से आपको जो है वो थोड़ा सा आइडिया लग जाता। 55th आ गया आपका, व्हाट वाज इंडियाज रैंक अमंग 156 कंट्रीज इन द ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रैंक जो है आपका है इस इंडेक्स में वो है फिनलैंड का, लेकिन हिंदुस्तान का रैंक पूछा गया है तो इंडिया का रैंक जो है वो आपका 140th है। इससे पहले 2018 में जब इंडेक्स आया था तो इंडिया का रैंक जो था वो इससे 7 पोजीशन बेटर था। इस बार 7 पोजीशन जो है वो इंडिया नीचे गया है हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें। आपके जो पड़ोसी देश हैं वो आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर आ रहे हैं। तो 55 आंसर इज ए। 56 की बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वन फैमिली वन जॉब स्कीम? तो 56 आंसर आपका जाएगा बी, दैट इज सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा इस स्पेसिफिक जो प्रोग्राम है स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है। 57 आ गया, विच सिटीज आर कॉल्ड नॉन अटेनमेंट सिटीज इन इंडिया? नॉन अटेनमेंट सिटीज का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि ऐसी सिटीज जो है वो जिन्होंने अपने पोल्यूशन लेवल को बिल्कुल भी जो है वो आपका कम नहीं किया है, जिनका जो एयर क्वालिटी है अकॉर्डिंग टू नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स NAAQS, उनके अकॉर्डिंगली अभी भी उनका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, उनको नॉन अटेनमेंट सिटीज का डेजिग्नेशन दिया जाता है। तो आंसर इसका है डी, दैट इज कंसिस्टेंटली शोइंग पुअर एयर क्वालिटी क्लियर देन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। 58 आ गया, विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 रिलीज बाय सिडनी बेस्ड लॉ इंस्टीट्यूट? देखिए बहुत बार इंडेक्सेस के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन नॉर्मली एक क्वेश्चन ही पूछा जाता था या दो कभी कभी, इस बार 3 सवाल देखने को मिले। तो 58th क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसका आंसर है डी, जो चाइना है उसके जो है वो स्पेसिफिक जो आपका ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स है इसमें टॉप पे है। क्लियर? नेक्स्ट आपका गया, विच कंट्री हैज क्रिमिनलाइज्ड ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैच फिक्सिंग? तो सबसे पहला देश, आसान करंट अफेयर है, आंसर है डी, दैट इज योर श्रीलंका। बड़ा दशेन इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? ये स्पेसिफिक फेस्टिवल वो है जो नेपाल में मेनली ऑब्जर्व किया जाता है, इंडिया में इसको दशहरा के नाम से जाना जाता है, आंसर आपका है बी, दैट इज योर नेपाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, व्हाट इज द कैंपेन थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2020। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन है ईच फॉर इक्वल, आंसर इसका है 61 का डी। 62, द टर्म ऑपरेशन कार वॉश दैट वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच कंट्री। ऑपरेशन कार वॉश जो है वो आपका ब्राजील के द्वारा रन किया गया था, जिसमें जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स या क्रिमिनल इन्वेस्ट जितने भी क्रिमिनल्स थे या जितने भी क्राइम्स हुए थे उनके लिए सबसे बड़ी लार्जेस्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी तक ब्राजील के इतिहास में जो हुआ है, दैट इज योर ऑपरेशन कार वॉश। तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है आपका ऑपरेशन, इसका आंसर है ए, दैट इज योर ब्राजील। नेक्स्ट आपका आ गया 63। 63 है, विच कंट्री विल होस्ट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट COP 26। तो ये आपका आंसर है बी, दैट इज योर यूके। इस साल होना था, अगले साल होगा। 64 आ गया, इन्हें लेटेस्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक अप्रिशिएटेड इंडियाज एफर्ट एंड पॉलिसी टू रिजोर्ट, इसका आंसर आपका सिंपल है, यहाँ पे आपका इंडिया की जो पॉवर्टी है वो 1991 के मुकाबले बहुत ही कम हो गई थी। लास्ट कुछ तो 20 सालों में हम लोगों ने जो है, या 20-25 सालों में हम लोगों ने 46% से अपनी पॉवर्टी जो है उसको 13.4% तक जो है वो रिड्यूस कर दिया है। तो इसका आंसर है ए, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारा, मतलब इसके अलावा जो हमने कुछ अचीव किया भी नहीं है, तो पॉवर्टी से ही रिलेटेड न्यूज़ है। 65 है, द नोबल प्राइज़ 2019 फॉर इकोनॉमिक्स हैज़ बीन अवार्डेड टू अभिजीत बनर्जी, एशर डफलो एंड मिशेल क्रेमर, क्लियर। तो इसका आंसर क्या है, तो आसान सवाल है आपका, इसका आंसर आपका है ए, नोबल प्राइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है टू डिस्कवर द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू टैकल पॉवर्टी इन द डेवलपिंग कंट्री। तो उन्होंने अलग अलग जो है वो अपने एल्गोरिदम बनाए थे कि किस तरह से जो है वो तुम पॉवर्टी को टैकल कर सकते हो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जिसके लिए इनको नोबल प्राइज दिया गया, नोबल प्राइज दिया गया फॉर इकोनॉमिक्स। तो 65 आंसर इज ए। 66, वाई इज देयर ए ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबेड्स दैट आर रिलीज्ड इन टू एनवायरमेंट। आई थिंक आपको माइक्रोबीड्स के बारे में पता होगा, माइक्रोबीड जो है वो आपके स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स हैं दैट आर लेस देन 5 मिलीमीटर और पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, क्लियर। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं फॉर द मैरीन इकोसिस्टम। तो माइक्रोबीड्स जो हैं वो बेसिकली मैरीन इकोसिस्टम के साथ रिलेटेड हैं। अगेन आंसर आपका है ए, स्ट्रेट क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, क्योंकि न्यूज़ पे हमेशा इस तरह के शब्द जो है वो रहते हैं। 67 आ गया, अमंग दी फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन वर्ल्ड इन लास्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पे जो है वो आपका 67 आंसर आ जाएगा आपका सी, सॉरी आंसर आपका आ जाएगा पार्डन बी, इंडिया। पहले थाईलैंड था, अब इंडिया हो चुका है। 68, विच कंट्रीज कैपिटल इज रिनेम्ड एज नूर सुल्तान। तो आपकी जो कैपिटल है वो आपकी कजाकिस्तान की कैपिटल हुआ करती थी, आई होप आप सब लोगों को पता होगा अस्ताना, अब उसका नाम जो है वो क्या है, नूर सुल्तान। तो आंसर आपका है ए। 69 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड ब्रिटन वुड ट्विंस, जहाँ से ब्रिटन जहाँ से जो है वो दो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो है वो स्थापना हुई थी, तो उनका नाम है IMF एंड IBRD। ये IBRD वही है जो बाद में वर्ल्ड बैंक्स बने, स्पेसिफिक टाइम पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आपके नंबर ऑफ बैंक्स आते हैं, तो उनमें जो सबसे पहला बैंक था वो आपका IBRD ही था। तो यही कारण है 69, आंसर इज ए। नेक्स्ट इज 70th, विच स्टेट गॉट ए सेपरेट हाई कोर्ट ऑन 1 जनवरी 2019, विच इज द 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ये मिला है आपका तेलंगाना को, आंसर आपका है तेलंगाना नहीं, ये आपका जो है वो 70th, ये आपका आंसर है आंध्र प्रदेश, पार्डन। तो आंध्र प्रदेश को 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया मिला है। 71st आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट हैव ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो इसके बाई कैमरल है तेलंगाना का है, कर्नाटका का है, वेस्ट बंगाल का नहीं है, आंसर आपका है डी। 72, विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड दी पंचायती राज इन इंडिया इन 1959। तो नगौर डिस्ट्रिक्ट थी आपकी राजस्थान में, आंसर आपका है ए। तो सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी तो यहीं पे ही उसको इंप्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग पंचायती राज सिस्टम। फर्स्ट इज द एक्ट वॉन्ट अप्लाई टू दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सही है। सेकेंड जो है वो आपका है, द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर पंचायत इलेक्शंस कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है, आंसर है सी। पॉलिटी बहुत आसान आई है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेशन ऑफ द LM सिंघवी कमेटी। फर्स्ट, नगर पंचायत शुड बी क्रिएटेड फॉर ए क्लस्टर ऑफ विलेज, बिल्कुल सही। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, LM सिंघवी सबसे पहली कमेटी थी जिसने कहा था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देनी चाहिए, दूसरा भी सही। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात भी LM सिंघवी कमेटी के द्वारा की गई थी, तो तीसरी भी सही। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑल ऑफ द अबव, 74th का आंसर। 75th आ गया, पहल स्कीम इज रिलेटेड टू,
अगेन ये तो काफ़ी आसान सवाल है, आई डोंट थिंक कि किसी ने आप में से जो है उसको गलत किया होगा। ये आपका डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी की बात करता है। अभी हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने 100% पहल स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया है। आंसर इसका है आपका बी। 76 अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। तो अगेन ये सिंपल सवाल है यहाँ पे, या बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका है यहाँ पे। वैसे भी अगर आप देखो तो दो ही शेड्यूल हैं जो ट्राइबल एरियाज के साथ रिलेटेड है, फिफ्थ और सिक्स, तो यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल सीधा है, तो आंसर आपका है बी। नेक्स्ट है, राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर द कंसिडरेशन बाय लोकसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो 77 का आंसर आ जाएगा आपका ए, दैट इज योर 14 डेज। फाइनेंस बिल जो है वो आपका मोर और लेस मनी बिल की तरह ही होता है, क्लियर। अब यहाँ पे फाइनेंशियल बिल में कंफ्यूज मत करना, फाइनेंस बिल है जब मल्टीपल मनी बिल्स को इकट्ठा किया जाता है, दैट इज योर फाइनेंस बिल। तो मनी बिल वैसे भी जो आपका लोकसभा है वो आपका जो है वो 14 दिन से ज्यादा जो है वो उसको डिले नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आ गया द कॉन्स्टिट्यूशनल 86 या कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 डील्स विद। बहुत आसान सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपका राइट टू एजुकेशन के साथ रिलेटेड है, आंसर आपका है ए। 79 नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के बाद इसकी फॉर्मेशन हुई है, आंसर सी है, क्योंकि एक्ट से बना है पार्लियामेंट के, दैट इज ये कारण है ये कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। 80 आगे, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ए न्यू पोर्टल सॉन्टस्ट फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो 80th क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपका है सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। 81st, विच स्टेट टॉप द गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 25th दिसंबर 2019। तो ये जो है वो आपका तमिलनाडु को दिया गया है, तो आंसर इसका है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन आर्य समाजिस्ट, लाला हंसराज जो थे वो आपके आर्य समाजिस्ट थे, परमानंद थे, लाला लाजपत राय थे, बाबा रामचंद्र नहीं थे। बाबा रामचंद्र जो थे वो आपके इंडियन ट्रेड यूनियनिस्ट थे, क्लियर, जिन्होंने जो है वो जो लैंडलॉर्ड्स थे अवध वाले एरिया में उनके खिलाफ 1920s में जो है वो एजिटेशन किया था, क्लियर। तो इसका आंसर आपका है बी, दैट इज बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज द लास्ट टू बी एस्टेब्लिश। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा गेस करते तो शायद आप लोग इसको आसानी से जो है वो देख सकते थे, आंसर इसका कर सकते थे। जैसे आरएसएस की अगर हम बात करें तो आरएसएस जो है वो आपकी 1925 में फॉर्म हुई है। हिंदू महासभा की हम बात करें तो 1915 की बात है, तो बहुत पहले की है। सत्यशोधक जो है वो वैसे भी 1873 के आसपास इसकी फॉर्मेशन हुई है। जो आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है ये 1924 में हुई है। तो सबसे लास्ट जो आपकी बनी है वो आपकी है आरएसएस, दैट इज योर ए। 84, व्हेन दी वर्नाकुल प्रेस एक्ट पास्ड, तो वर्नाकुल प्रेस एक्ट जो है वो आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा पास किया गया था। ये एक्ट आपका पास हुआ है 1878, इसको गैगिंग एक्ट कहा जाता है, जहाँ पे जो प्रेस फ्रीडम थी उनको, उनकी जब प्रेस की जो पावर्स थी उसको कर्टेल किया गया था। 84 आंसर इज ए। 85 का नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिड दी पावना रिवोल्ट टेक प्लेस। तो पावना जो है बेसिकली पीजेंट रिवोल्ट था अगेन दी लैंडलॉर्ड्स ऑफ बंगाल, तो आंसर इसका है सी। तो पावना जो है वो आपका बंगाल का रिवोल्ट है, जो कि किसानों ने किया था लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। 86 आ गया, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंस हेल्ड। तो देखिए इसका आंसर आपका जो है वो आपका है सी, 1921। बेसिकली जो चैम्बर ऑफ प्रिंस थे ये आपके 1920 में, उस स्पेसिफिक टाइम पे जो एम्परर हुआ करते थे जॉर्ज, उनके द्वारा बनाए गए थे। 1921 में सबसे पहले इनका सेशन जो है वो हेल्ड किया गया था। 120 के आसपास जो थे वो टोटल प्रिंसेज ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। 86 आंसर इज सी। 87, हु प्रिजाइडेड ओवर द कमीशन अपॉइंटमेंट और फेमाइन पॉलिसी इन 1880। जब लॉर्ड लिटन तुम्हारे गवर्नर जनरल थे उस स्पेसिफिक टाइम पे, अगर मैं बात करूँ 1876 से लेके 78 तक के बीच के एरिया या बीच के टाइम पीरियड का, तो बहुत भारी जो सूखा था वो हिंदुस्तान में पड़ा था, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, पंजाब, कहीं की तुम बात कर लो, और अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन के आसपास लोग जो थे वो मर गए थे। तो इसके लिए जो है वो एक कमीशन अपॉइंट किया गया था, वो कमीशन जो था वो आपका स्टाचे कमेटी था, जो आपका कमीशन था दैट इज रिचर्ड स्टाचे, तो आंसर इसका है बी। नेक्स्ट है 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ अपोज्ड नेशनलिस्ट एट ब्रुसेल इन 1927। एक्चुअली क्या था कि एक जो ब्रुसेल में आपके अलग अलग जगहों के जो लोग थे जिनको वहां से उनके देशों से निकाला गया था, क्लियर, जिन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिया हुआ था ब्रुसेल में, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक स्पेसिफिक मीटिंग में जिसको कहा गया था कांग्रेस ऑफ अपोज्ड नेशनलिस्ट। इसमें आपके अफ्रीका के थे, एशिया के थे, लैटिन के थे, इसमें आपके जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, आंसर आपका है डी। 89, व्हाट वॉज उलुगन,
उलुगुलन की अगर हम बात करें तो बेसिकली स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो उलुगुलन का 150 टॉल स्टैच्यू बनाया जा रहा है। इनको हम लोग हमेशा रिलेट करते हैं बिरसा मुंडा के साथ। झारखंड में एक स्टैचू बन रहा है उलुगुलन, क्लियर? तो उनको जो है वो कंपेयर किया जाता है किसके साथ, बिरसा मुंडा, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, झारखंड से थे, जो उनको जिनको हमेशा मुंडा रिवोल्ट के लिए जाना जाता है। तो वहाँ से जो है वो उलुगुलन का जो है वो स्टैचू, 150 टॉल स्टैचू जो है वो हमें झारखंड में देखने को मिलेगा। तो आंसर इसका है ए। 90th आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज द लास्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड। और अगेन अगेन ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर मैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करूंगा, 1866 में बनी थी, दादा भाई नरूजी के द्वारा बनाई गई थी। मद्रास महाजन सभा की अगर मैं बात करूंगा, 1884 में बनी थी, ये आपकी एस आर मुदलायर और पी अनंदा चारू के द्वारा बनाई गई थी। अगर मैं इंडियन एसोसिएशन की बात करूंगा, 1876 में बनी थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा बनाई गई थी। और अगर मैं पूर्ण या पूना सार्वजनिक सभा की बात करूंगा, 1870 में बनाई गई थी चिपलांकर और महादेव गोविंद के द्वारा। तो इनमें जो है वो सबसे लेटेस्ट कौन सी बनी है आपकी, 1884 वाली, मतलब आपका आंसर है बी, दैट इज योर मद्रास महाजन सभा। देखो नॉर्मली देखा जाए तो इस तरह के सवाल आते थे, तो अनएक्सपेक्टेड नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा इतनी डेट्स याद रखना आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट आ गया, व्हेन डिड दी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर इन दी ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट ट्रांसफर ऑफ पावर टू रिस्पॉन्सिबल इंडिया हैंड विल बी डन बाय जून 1948। तो आपके उस स्पेसिफिक टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे एटली, तो इनके द्वारा जो है वो डिसाइड किया गया ऑन 20 फरवरी 1947। तो आंसर इसका आपका है बी। नेक्स्ट आया 92, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज रिटन बाय सचिंद्र सन्याल टू अट्रैक्ट द यूथ टू रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। तो इनके द्वारा जो है वो आपकी एक बुक लिखी गई थी, जेल के अंदर ही थी ये, वो थे जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, हर तरह CDM, जो भी आपका सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट थी, हर एक में पार्टिसिपेट किया था, जेल के अंदर भी रहे थे। वहाँ पे उन्होंने जो है वो एक किताब लिखी है जिसका नाम है बंदी जीवन। तो आंसर इसका है डी। 93rd आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉइल टाइप इन इंडिया। तो आपका एरिड सॉइल टाइप है, पीट है, लेटराइट है, चोज बेसिकली जो है वो आपका इरोजनल फीचर है। चोज जो है वो आपके जब हमारी गली, आई होप आप लोगों ने सुना होगा, जब आपकी इरोजन जो है वो बड़ी हो जाती है और उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, मतलब जब बरसात होती है तो जहाँ से वाटर निकलना शुरू हो जाता है। आसान भाषा में चो शब्द जो है वो पहाड़ियों को पता होगा कि चो शब्द का मतलब क्या होता है, क्लियर है? जब आप देखते हो कि बरसात में नालों में नाला रख लो, क्लियर? तो चो जो है वो बेसिकली इरोजनल फीचर है, ना कि सॉइल टाइप है। तो आंसर इसका 93 का है डी। 94, जलंधर दुआब इज क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ दी फॉलोइंग, क्लियर? तो अगर हम लोग जलंधर दुआब की बात करोगे तो जलंधर जो है वो आपका बिस्ट वाला एरिया है, क्लियर? बिस्ट का मतलब है ब्यास और सतलुज। तो आंसर इसका क्या जाएगा, डी, दैट इज एरिया बिटवीन ब्यास एंड सतलुज, उसको जलंधर दुआब के नाम से जाना जाता है। 95th आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी हाइएस्ट पीक इन दी ईस्टर्न घाट्स। अगर हाइएस्ट पीक इन दी ईस्टर्न घाट्स की बात की जाए तो इसका आंसर आपका है बी, दैट इज योर अरमाकोंडा। अरमाकोंडा या इसको सितामाकोंडा भी कह सकते हैं, ये आपकी 1690 मीटर, 1690 मीटर की इसकी हाइट है। ईस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो इस साइड की बात कर रहे हैं, क्लियर? आई होप गल आप लोगों ने, वेस्टर्न वैसे तो ऑप्शन नहीं था, तो अरमाकोंडा या सितामाकोंडा के नाम से उसको जाना जाता है, गोदावरी एरिया के या गोदावरी बेसिन के पास जो है ये स्पेसिफिक पीक आपकी सिचुएटेड है। आंसर इसका है बी। नेक्स्ट, अगर 96 की हम बात करें, खेतरी हैज रिच डिपॉजिट ऑफ, खेतरी जो है वो आपकी माइंस है, बहुत ही फेमस माइन है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है आपकी राजस्थान की, ये फेमस है आपकी किसके लिए, कॉपर के लिए। आंसर है सी। 97, 49th पैरेलल इज एसोसिएटेड विद, ये आपकी 2030 किलोमीटर के आसपास की लाइन है कनाडा और यूएसए के बीच में। आंसर है बी। 98, लेना रिवर इन रशिया एम्प्टीज इन, तो लेना रिवर की अगर हम बात करें तो ये जो है वो आपकी लैपटॉप सी में खाली होती है। तो आंसर इसका है ए। आसान सवाल है, आई डोंट थिंक कि मुश्किल सवाल है। 99th, बैरन फॉल्स आर एसोसिएटेड विद विच स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो बैरन फॉल्स की अगर हम बात करें तो ये आपका आंसर है ए, ये आपके ईस्टर्न हाईलैंड्स के साथ एसोसिएटेड है। और लास्ट सवाल है, विनिपेग इन कैनेडा इज फेमस फॉर, अगेन इसके लिए आपको HPPSC का आंसर देखना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर है बी, दैट इज योर सॉफ्ट वुड कलेक्शन। तो टोटल 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कमीशन के साथ एक बार मिलाने पड़ेंगे, मैं तो यही कहूँगा सारा ही मिला लो। लेकिन इस स्पेसिफिक टाइम पे जो हमारे आंसर्स हैं, अगर पेपर को मैं एवेल्यूएट करूँ तो आई थिंक कि 60 क्वेश्चन, 60 के आसपास क्वेश्चन जो थे वो डूएबल थे, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में भी आप बैठे होंगे, तो 60 क्वेश्चन जो है वो आप लोग करो करो तो ज़्यादा बढ़िया है। वैसे हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस का जो पूरी वर्ड फाइल है और इवन सॉल्यूशंस भी हैं, वो हम लोगों ने जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों के लिए डाल दिए हैं। आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से उन सॉल्यूशंस को डाउनलोड कर सकते हो,
क्लियर। तो चलिए, आई होप आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा करोगे और आगे के लिए तैयारी करोगे। तो आज की जो डिस्कशन है स्पेसिफिक टेस्ट की, इसको मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।